नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉगिंग वीडियो में। तो साथियों, आज मैं आपको दत्तात्रेय निजामबाद आजमगढ़ का यह मंदिर दिखाने जा रहा हूँ। यह मंदिर आप कभी अगर निजामबाद के दत्तात्रेय मंदिर पर आएंगे देखे होंगे। यह बहुत ही सुनहरा, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग चलकर आते हैं और अपने परिजनों की जो कि अंतिम संस्कार की क्रियाकर्म करने के लिए लोग आते हैं। तो यह दुर्वासा धाम से चलकर आई हुई नदी है जो अंतिम संस्कार के लिए चलकर आते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार के बाद लोग स्नान करते हैं। यह नदी है। जैसा ये नदी कहाँ से आई? टौंसा नदी है। तो ये दुर्वासा से होकर यही नदी आई है। अच्छा अच्छा, तो साथियों देख सकते हैं कि दुर्वासा से चलकर यह नदी आई हुई है। दुर्वासा में मजुई और तमसा दो नदियों का संगम बनकर यह नदी जब दत्तात्रेय निजामबाद की तरफ आती है और दो नदियों का संगम यहाँ आते आते पुनः एक संगम स्थल यहाँ पर मिलता है। कुंवर नदी और यह मजुई नदी, दोनों नदियों का संगम यहाँ पर फिर से हुआ है और दो नदियाँ साथ में बहती हैं, छोटी नदी और बड़ी नदी। तो यह मंदिर देख सकते हैं, यह दुर्वासा धाम के भाई दत्तात्रेय जी का मंदिर है। पुराणों में मानने वाले लोग मानते हैं कि यह बहुत शक्तिशाली थे, भगवान के अवतार थे, लेकिन अब वास्तविकता क्या है कोई बुजुर्ग ही जान सकते हैं। और आजकल तो सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां ही हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए हम आपको और भी कुछ परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग बने रहें वीडियो में, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर स्नान घर भी महिलाओं के लिए पर्सनल तरीक़े से बनाया गया है। और आइए हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। आइए हम आपको मंदिर के द्वार पर आपको ले चलते हैं। यह देखिए बहुत पुराना जो कि स्थान बनाया गया है। रुका था जी चाचा, मैंने कल हाथ में घाटे बाद में। हाँ चाचा, इस नदी का नाम है? नदी का नाम है वो लोग बताएंगे यहाँ लोग। अच्छा, आप लोग यहाँ से दूर से हैं? हाँ, तो इसे दूर कहेला हम। नदी का नाम होगा का? नदी का नाम फोटो करो। अच्छा भैया, होते हैं कुंवर ही तमसा लिखा कोधारी है। हाँ, एक तमसा नदी है। हाँ, एक कुंवर ही कुंवर नदी है, उधर से आई बस। हाँ, तो साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ दो नदियों का संगम है। जिस प्रकार दुर्वासा धाम में दो नदियों का संगम है, इसी तरह यहाँ पर कुंवर नदी और तमसा नदी दो नदियों का संगम यहाँ पर है। और यहाँ पर लोग अपने परिजनों की अंतिम संस्कार हेतु चल कर आते हैं और दूर दूर से लोग आकर और अपने परिजनों के अंतिम संस्कार हेतु यहाँ पर आते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है और यहाँ पर लोग पूजा पाठ भी करते हैं।
स्नान ध्यान के बाद यहाँ देखिए प्राचीन समय का बना हुआ है, काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग चलकर आते हैं। और यहाँ देखिए साथियों, देख सकते हैं यह कुंवर नदी और तमसा नदी, दो नदियों का संगम है। यहाँ दो नदियाँ आपस में बहकर फिर निजामबाद की तरफ पूरब साइड चली जाती हैं। तो साथियों देख सकते हैं दो नदियों का संगम। और देखिए हम सीढ़ियों पर आ चुके हैं और बहुत ही सुंदर तरीका से यह सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। देखिए मैं आप लोगों को नीचे से ऊपर तक की सीढ़ियों का जो कि कुछ प्रदर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सफाई से यहाँ की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है। तो देखिए थोड़ी सा किनारे पर या नदी के उसको किनारे पर भी सीढ़ी का निर्माण किया गया है और एक छोटा सा बरामदा टाइप बना दिया गया है। कभी बरसात या धूप आती है तो उस साइड की जो जनता है वहाँ पर छाया में बैठ सके। या देखिए नदी है और इस नदी में जो भी लोग अपने परिवार या रिश्तेदार की अंतिम संस्कार यात्रा में आते हैं वो लोग यहाँ पर हाथ पैर धोते हैं, कुछ लोग नहाते हैं, उसके बाद अपने अपने घर को जाते हैं। या देखिए मैं नदी के किनारे से सीढ़ी और मंदिरों का जो कि वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए काफ़ी बेहतर तरीके से लोगों ने इसको बनाया है और मजबूत बनाया है ताकि लंबा समय तक चलता रहे। आप लोग को मैं बता दूं कि देखिए इस मंदिर के आसपास में जो मछलियां, इसमें बड़ी बड़ी मछलियां देखने को मिलती हैं और कुछ दूर पर नदी में जाली लगाई है ताकि इसमें जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वह बाहर ना जा सकें, तो जनता के मनोरंजन का साधन हो सकें और लोग उसको देख सकें, इसलिए इसमें मछलियां पालन किया गया है। लोग मछली इसमें से मारते नहीं, निकालते नहीं हैं, इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं लेकिन कोई लोग इसमें मछली को निकालते नहीं हैं।
तो साथियों अब हम दूसरे गेट पर यानी कि पुराने वाले गेट से चलेंगे जहाँ पर लाश जलाई जाती है। तो आइए हम लोग चल देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दत्तात्रेय, जिसको कि मेन सही नाम दत्तात्रेय है, यहाँ पे लोग अपने किसी परिजन की लाश को लेकर आए हैं और यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए आए हैं। काफ़ी लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं तो अपने अपने परिजनों की अंतिम संस्कार हेतु। जैसे दुर्वासा धाम है उसी तरह से यहाँ दत्तात्रेय का भी धाम है। यहाँ पर लोग अपने परिजनों की अंतिम संस्कार हेतु आते हैं। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था खराब हो गई थोड़ी। चाचा जी, नदी का नाम क्या हो? टमस। टमस नदी है। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, यह टमस नदी लोग बोलते हैं, जिसका कि सही नाम तमसा है। दोबारा चल गया नदी यह है और आगे कुंवर नदी मंदिर के सम्मिलित हुई है। यहाँ जो मंदिर बना ना, अच्छा दत्तात्रेय भाई, मतलब शंकर उंकर ना, ये दत्तात्रेय बाबा का मंदिर है। अच्छा,
साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो हम अगले वीडियो में कुछ अगले सीन नई जगह से आपको परिचित कराएंगे। तो हम यहाँ से बात करते हैं।